परवेज तो ये है आप इज लोग ट्रेन विद का रिजल्ट है। आदर्श कुमार 18। आदर्श देखिए, आदर्श कुमार देखिए 18 नंबर। बस सीधी सीधी छोटा छोटा सा ना समझने की वजह से लोग एक क्वेश्चन की वजह से पास नहीं हो पाते हैं। तो ये 18 नंबर पाए आदर्श कुमार। एक आदित्य कुमार, एक आदित्य कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 42 नंबर। आज पहली बार लेकिन अच्छा नंबर लाने की कोशिश किया है, 42 नंबर पाया है 21 क्वेश्चन सही करके। आदित्य कुमार दूसरा है जिसने 10 नंबर लाए हैं, कि बस सिर्फ 5 क्वेश्चन सही है, 20% गलत हुए हैं। तीसरे हैं अजीत कुमार। अजीत कुमार तो पता नहीं सबमिट कर भी पाए थे कि नहीं कर पाए थे, ये प्रॉब्लम की वजह से है। ठीक, अब आए अमन कुमार, इनका है 50 नंबर। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और दूसरे अमन कुमार है, इन्होंने भी अच्छा किया, 32 नंबर पाए हैं। इन्होंने सिर्फ 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 17 में 32 पाए, यानी कि 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से सिर्फ इनका 1 क्वेश्चन गलत। इन्होंने भी अच्छा किया है। अभी अगला है कि अटेम्प्ट ना कर पाए हो, बात दूसरी है। आशुतोष कुमार, इन्होंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से ये भी बहुत बहुत ही हम अच्छा कहेंगे, इनको हम कहेंगे कि 50 भी ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट में एक लापरवाही हो ही जाती है। 1 क्वेश्चन गलत है जी इनका, सर, तो इनका भी 48 नंबर है। दीपक कुमार अच्छा कर रहे हैं, 36 नंबर पाए हैं, 18 क्वेश्चन सही है इनका। दीपक कुमार दूसरे दीपक कुमार है, इलेक्ट्रिशियन के हैं, ये 12 क्वेश्चन सही किए हैं 24 में, यानी कि सिर्फ पास हैं। दिलीप कुमार 14 नंबर फेल, दिलशाद आलम 14 नंबर फेल, गौतम कुमार इन्होंने पता क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है लेकिन सही नहीं हुआ, इनको लग रहा है क्वेश्चन ही इनको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई इंग्लिश हिंदी इंग्लिश का भाई कुछ लोगों को है समस्या, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। जयराम कुमार 18 नंबर लाए हैं, ये भी सिर्फ 2 नंबर से फेल कर गए हैं। हेलो गया। कौशिक कुमार देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, 22 क्वेश्चन इनका सही है, 25 में, 3 क्वेश्चन गलत है, जैसे 44 नंबर ये पाए, बहुत अच्छा नंबर, पहली बार हमको लग रहा है कि ये नंबर इतना भी पाए हैं। यस, और दीपिका कुमारी ये 38 नंबर, दीपिका यस सर, ये कह रहे हैं क्यों पिछली बार 46 नंबर लाए थे, इस बार कम हो गया। हेलो, इस बार नंबर तो क्यों कम हो गए? पता नहीं सर। चलो कोशिश करो, नंबर अच्छा है, हम नहीं कह रहे कि गड़बड़ है, 38 नंबर पाई हो, बस ये कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आ रहे होंगे कंफ्यूजन में, गलत गए होंगे। ठीक है, कर अच्छा रही हो। ठीक है, अगला नीतीश कुमार है, 26 नंबर। पवन कुमार 28 नंबर, रंजीत कुमार 22 नंबर, सदानंद कुमार भी अच्छा करते हैं, 38 नंबर पाए हैं, संजीत कुमार 26 नंबर, सतीश कुमार 32 नंबर और टुन्नू कुमार 30 नंबर। ये घबरा रहे, एक बार नंबर तो पेपर ही नहीं दिए और इस बार दिए हैं, ठीक है, हम इनको गड़बड़ नहीं कहेंगे, कम से कम प्रयास किए, 30 नंबर पाए हैं। मेरा मोबाइल बंद था सर, मेरा तरफ लाइन कटा हुआ था, इसलिए सर नहीं। बहाना मत किया करो यार, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत आज नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे बता, देखो कोशिश करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, आपका और अच्छा नंबर आएगा टुन्नू।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस समझने की बात है कि आप क्या सही समझ रहे हैं क्या गलत समझ रहे हैं। तो पेपर शो आउट किया जाए कि भाई किनका हम किनका पेपर दिखाएं, टुन्नू का ही खोला जाए, क्यों टुन्नू का ही खोलें, डिटेल टुन्नू टुन्नू कुमार का पेपर खोला गया है। शुरुआती दौर में इन्होंने गलत शुरू किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ लें। गेट मी सम वाटर एग्जाम्पल ऑफ विच नाउन, देखो गेट मी सम वाटर जिसमें देखिए काउंटेबल, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन दिए हैं, अगर वाटर की अगर मात्रा क्या आपने यहाँ काउंट किया था क्या, देखिए टुन्नू यहाँ पे काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी चीज को काउंट करके नहीं ला रहे हो। अगर हम ये कहते हैं बंच ऑफ वन डोजन बनाना, तब हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन है, ठीक। अब यहाँ सम गेट मी सम वाटर यानी कि पानी लाइए थोड़ा, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक, तो ये काउंटेबल में नहीं होता है, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन ही कहेंगे, ठीक है। नॉन काउंटेबल था सर, एक नॉन काउंटेबल है वो नहीं है, ठीक है ना, एक अनकाउंटेबल होता है, नॉन काउंटेबल मींस क्या होता है। अब अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल में अर्थ ज्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन नॉन काउंटेबल होता नहीं है वर्ड, ठीक, अनकाउंटेबल होता है, वर्ड ही नहीं है वो, वर्ड वर्डिंग में नहीं आता है। वो वर्ड नाउन में नहीं आता है, अनकाउंटेबल वर्ड हो गया भाई सर, नॉन तो सब कुछ हो जाएगा ना, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना, जिसको काउंट नहीं किया जाता अनकाउंटेबल होता है, नॉन काउंटेबल नहीं होता। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि एक सेंटेंस है मोहन इनवाइट्स मी, अब इसको पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना है, तो पैसिव में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जिसका नाम लिया जाता है उसको लास्ट में कर दो, कोई भी उसमें काम जस्ट उल्टा करना है, जो आगे है उसको पीछे कर दो और पीछे वाले को आगे कर दो, उसको खाली बस कन्वर्ट करना होता है, जिसमें अब फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में किया जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे अब इन्होंने लिखा, टुन्नू ने दिया आई एम टू बी इनवाइटेड बाय मी, अब आई एम टू बी इनवाइटेड बाय मोहन, तो इसका सेंटेंस का अर्थ क्या अमन आप बता पाएंगे, आई एम टू बी इनवाइटेड बाय मी, टू बी का अर्थ क्या होगा, हाँ नहीं सेंटेंस ये सही नहीं है, वर्डिंग से पकड़ा जाता है, आई एम इनवाइटेड बाय मोहन यानी कि मैं मेरे को मोहन द्वारा ही गलत है सर। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, चूज एन एप्रोप्रिएट डब्ल्यू एच, एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि उसमें जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि डब्ल्यू एच आई एम वर्किंग इन मुंबई, यानी कि हम यहाँ पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन तैयार के, चार क्वेश्चन दिए होंगे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन हम वहाँ पुटअप करेंगे जिससे कि हम इस आंसर का सुटेबल वो क्वेश्चन हो, तो वहां पे सुटेबल क्वेश्चन खोजना था इस आंसर के उपलक्ष्य। तो टुन्नू ने यहाँ गलती की,
Why did you leave Mumbai? अब हमने यहाँ आंसर दिया क्या है, I am working in Mumbai. ठीक, तो अब ये क्वेश्चन क्या इस आंसर से मैच कर रहा है? ये तो है, what is your native palace? What is your name? देखिए आपको इस क्वेश्चन के अनुरूप, इस आंसर के अनुरूप क्वेश्चन तैयार करना है. वहां पे लिविंग को तो दिया ही नहीं है, ठीक. यहाँ पे वर्किंग की बात आई है, तो वर्किंग यानी कि आपको खुद सोचना चाहिए कि उसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. जब वो नहीं है तब आपका लिविंग और अदर क्वेश्चन आएंगे. तो पहले से तो देखो, वेयर आर यू एम्प्लॉयड. तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयड कहाँ है, यानी कि जहाँ वर्किंग है. तो वर्किंग कहाँ पे है, मुंबई में. आई एम वर्किंग इन मुंबई. तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेयर आर यू इन, वेयर आर यू एम्प्लॉयड, यानी कि आई एम वर्किंग इन मुंबई. हम आंसर देंगे आई एम वर्किंग इन मुंबई. तो यहाँ पे why did you leave Mumbai, यानी why did you leave Mumbai का क्वेश्चन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि आपने क्यों मुंबई छोड़ दिया. छोड़ा. और where are you employed, यानी कि आप कहाँ employ हो, कहाँ पे employed हो, यानी कि कहाँ पे नौकरी कर रहे हो, यानी कहाँ work कर रहे हो. तो उसका आंसर यहाँ पे दिया था आई एम वर्किंग इन मुंबई. ठीक, अब चौथा क्वेश्चन आई, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन. द ऑथर्स नेम इज डैश द कवर ऑफ द बुक. ऑन, ऑन करेक्ट प्रपोजिशन है. ऑन जो है आपका प्रपोजिशन है जो यहाँ पे सुटेबली यूज होगा. एन ऑथर नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक. ठीक, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे हमें एक सुटेबल क्वेश्चन मार्क वाले, यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड यूज करने. जैसे आपका क्वेश्चन वर्ड कौन सा होता है, व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हूज हो गया, वो हो गया, ये सब आपके क्वेश्चन वाले वर्ड हैं. ठीक, तो यहाँ पे यूज होगा डैश आर यू गोइंग. तो यहाँ सुटेबल वर्ड है आपका वेयर आर यू गोइंग. ठीक जी सर. फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहाँ पे वर्ब का फॉर्म यहाँ देना है, ठीक है ना, वर्ब का फॉर्म देना है. Trainees dash to an industrial visit yesterday. Trainees dash यानी कि past का बात पूछ रहा है, present, past और future. तो यहाँ past पूछा गया, तो past में अब देखिए आज के date का काम है. Trainees go to a industrial visit today होगा, तब today हो जाएगा. अब यस्टरडे है, यानी कि ये पास्ट की चीज पूछेगा तो बीता हुआ कल. वो का पास्ट क्या होता है, तीन फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन होता है. तो पास्ट में क्या आ गया, गॉन वेंट, वेंट हो गया. ट्रेनीज वेंट टू एन इंडस्ट्रियल विजिट यस्टरडे. ठीक, अब तीसरा सातवां क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव. कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी कि डिग्रीज हैं ये, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो अब जैसे कोई वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में क्या बोलेंगे, एक हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मोर ब्यूटीफुल. हाँ, और सुपरलेटिव में क्या चला जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल. मोस्ट ब्यूटीफुल, सही सही आप बोल रहे. अब उसी प्रकार से अब टॉल का कंपैरेटिव में क्या होगा, टॉलर होगा. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर टॉलर, विवेक इज टॉलर देन विनोद. यानी कि कंपैरेटिव का अर्थ ही है कंपेयर करना, किसी दो में कंपेयर करना.
ठीक। और सुपरलेटिव में होता है कि वो सब में, मतलब कि बहुत से लोग हैं उसमें, हो जाता। उसमें कंपेयर करता है, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया आपका टॉलर। अब देखिए इस शब्द का पास्ट टेंस बनाना है, ठीक। पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड क्वेरल, क्वेरल का पास्ट टेंस होता है क्वेरल, यानी कि काटना। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, झगड़ना। हाँ। अब प्रोनंसिएशन रिफर्स टू, प्रोनंसिएशन रिफर्स टू, ये सही आंसर लगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। जो आप बोल रहे हैं वही प्रोनंसिएशन के द्वारा ही दूसरे को वो सुनाई देगा, यानी कि साउंड के थ्रू ही वो दूसरे को सुनाई दे पाए, बिना साउंड के वो दूसरे तक नहीं सुनाई देगा, ठीक। तब उसके प्रोनंसिएशन को आप समझ पाओगे। द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो समझे, इंटरजेक्शन। ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, इसको दोबारा हमने दे दिया, ठीक है। गलत हो गया तुम्हारा आशीष? नहीं, सदानंद। सदानंद, चलो ठीक है, ये इंटरजेक्शन होता है, ठीक। विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर में साइलेंट लेटर आपका डब्ल्यू होता है। आंसर जो आप बोल रहे हो, आंसर बोले तो आंसर में डब्ल्यू छिप जाता है, डब्ल्यू का कोई प्रोनंसिएशन ही नहीं, लेकिन वर्ड है। बहुत से ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। अब साइकोलॉजी की स्पेलिंग कोई बता दे। PSYCHOLOGY, जो भी बताए हो। तो इसमें साइलेंट आपका क्या है? टी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अब जैसे कि आवर, हाँ, आवर की स्पेलिंग बताओ। HOUR, आवर बोल, अब उसको हम हावर नहीं बोल सकते, आवर ही बोले जी सर। तो कुछ वर्ड हैं, अब जैसे कि अगर कुछ वर्ड ये हो गए, अब जैसे कि अगर हम कहेंगे कि जितने भी वोवेल्स हैं, वोवेल्स के आगे जो भी शायद लेटर आते हैं उनको शायद साइलेंट किया जाता है, साइलेंट लेटर हो जाता है। कहीं कहीं साइलेंट वोवेल साउंड भी आता है ना, वोवेल साउंड वैसा थोड़ी नहीं, वैसा नहीं, कहीं कहीं की बात कह रहे हैं, हर जगह की बात नहीं कह रहे हैं। अब आवर है, अब आवर में देखो ओ की प्रोनंसिएशन हो रहा है, देखो इसमें एच साइलेंट हो गया। ऑनेस्टी बोलो, अब ऑनेस्टी तो बोलने नहीं, ऑनेस्टी ना बोलते हो, ऑनेस्टी तो बोलते नहीं हो, साइलेंट हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आइए, आप समझिए। Which letter is silent in the word? इस वर्ड को आप लोग पढ़ के बताओ कि ये वर्ड लिखा क्या है। Scepter. 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 हाँ, scepter बोला जाता है। Scepter. Scepter नहीं, the scepter. हाँ, scepter. तो यहाँ पे e silent है, ठीक है ना, यहाँ पे ई साइलेंट है आपका, ई का कोई इसमें प्रोनंसिएशन नहीं। तो ये सी कौन लिखा है? सी टुन्नू लिखे हैं, लेकिन ई यहाँ पे साइलेंट वर्ड है। बोल जब प्रोनंसिएशन किया जाता है ना, तो उसमें वर्ड का ध्यान दिया जाता है। जब आप वर्ड पे ध्यान दे दोगे ना, तो आपकी इंग्लिश अपने आप सही हो जाएगी। और इस चीज के लिए आपको डिक्शनरी से भी कंसल्ट करें, सबसे बड़ा आपका मोबाइल है, गूगल से आप
सर्च करोगे तो उसमें प्रोनाउंसिएशन के लिए वो जो अगर आप वर्ड डालोगे चोरी ना हो जाएगा सर, चोरी ना हो जाएगा उसे। एग्जाम टाइम में नहीं बोल रहे हैं भाई, जनरली बोल रहे हैं, जनरली कह रहे हैं। अगर जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है, जनरली बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आता है, आप उसको गूगल पे डालो, उसका देखना है प्रोनाउंसिएशन भी देता है, ठीक है ना। उसको देखा करोगे तो तुमको पता लगेगा कि इसका वर्ड इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपको समझ में आएगा। और नहीं तो डिक्शनरी रखे रहो, उसमें भी दिया रहता है, हिंदी इंग्लिश वाली भार्गव की डिक्शनरी रखो, उसमें दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर जॉब रिज्यूम। अब योर क्वालिफिकेशन रिज्यूम में, अब टुल्लू कुमार को ये नहीं समझ में आया कि योर क्वालिफिकेशन, अगर रिज्यूम आप दे रहे हो तो उसमें क्वालिफिकेशन आप नहीं दोगे, क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा बाबू, बिना ईटिंग हैबिट को नहीं दिया जाता है वहां रिज्यूम, ठीक है। दोनों ऐसी गलती मत करना, वहां पे तो क्वालिफिकेशन देनी दी जाती है रिज्यूम। Which one is a don't of discussion etiquettes? सबसे पहली चीज यहाँ etiquettes का अर्थ कोई बताए? नहीं पता। अमन? Ethics मतलब भाई सर, तो क्या पता है इसका? बता लोगे? ट्राई करो, बता लोगे? Etiquettes होता है। ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा, हिंदी का वर्ड ही नहीं मिल रहा। आपके अंदर का आचरण, हिंदी शब्द आचरण कह सकते, आचरण, ठीक। अब देखो बीच, अब वहां पे कुछ शब्द थे, Which one is a don't of discussion etiquettes, यानी कि discussion के समय कि आपका क्या आचरण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Discussion में आपका क्या मतलब कि आचरण नहीं होना चाहिए, तो वो सही आंसर है argue unnecessary, यानी कि argue मतलब कि किसी का बात विवाद करना बिना मतलब का, argument करना यानी कि बात विवाद करना बिना मतलब का नहीं करना चाहिए। बी ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए बिना मतलब। विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स, यानी कि यहाँ पे डिस्कशन एटिकेट्स यानी कि डिस्कशन के आचरण, डिस्कशन करते समय आपका आचरण कौन सा होना चाहिए। लिसनिंग टू अदर, लिसन टू अदर्स यानी कि दूसरे का सुनना चाहिए, पहले सुनिए तब उस पर बात, बात अपनी बात रखिए। टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि बिना मतलब का किसी अदर चीज पे आप डिटेल ना दें, ठीक है ना। टुन्नू ये थोड़ा सा, ये टुन्नू हम समझ रहे हैं कि टुन्नू कुछ शब्द नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए ये आंसर, लेकिन जो समझ में आ रहा है तो पहले उसको समझें, कोशिश करेंगे हो जाएगा। तुमने एक काम करना कि जो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी क्वेश्चन गलत है पहले इस जो गलत है उसका उसका भी अर्थ निकालना, और जो सही है उसका भी अर्थ निकालना अपने से, तुमको खुद पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत। तुमने जो सेंटेंस आंसर दिया है वो भी सही पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, गलती सबसे होती है भाई, जो नहीं आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू सब कोई जान, आप लोग जान रहे हैं, ठीक। विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर टुन्नू से प्रश्न करेंगे, टुन्नू जी सर, ये कार्डिनल नंबर आपको पता था ना?
जी सर उसमें अलग दिखाई दे रहा था ऑप्शन, गन्ना संख्या तो मार दिए थे और बाकी रोमन संख्या में दे था सब रोमन, यही यही पकड़ लिए थे तुम भी, सब रोमन संख्या में दिया है और सब अलग में दिया है, इसे पकड़ लिए तो तुम्हारा सही हो गया। कार्डिनल मैंने कहा था सर, कार्डिनल संख्या जो नॉर्मल जो तुम्हारा गिनती वाला काउंटेबल जो तुम्हारा नंबर्स होते हैं वो तुम्हारा कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और रोमन नंबर जो होते हैं तो आप लोग जान ही रहे हो कि रोमन नंबर किस रोमन के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है। Which one is an exclamatory sentence? Exclamatory sentence वही होंगे जिसके आगे exclamatory mark बना होगा। अब तब भी इसको नहीं समझ में आया तुम लोगों की exclamatory mark है क्या, ऊपर से एक डंडी और नीचे एक बिंदु, वो exclamatory mark है, तो समझ लो कि वो सेंटेंस हमारा exclamatory sentence है। एक तरीके से जान लो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें आश्चर्य प्रकट करा जाता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। और एक्सक्लामेटरी मार्क होना अनिवार्य है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक। पहला पहला मतलब कि चिन्ह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। विच वन इज द इन इज इन एक्टिव वॉइस, ये सही लगाए हैं, राम हैज पास्ड द एग्जाम, ठीक, ये एक्टिव वॉइस है, राम हैज पास्ड द एग्जाम, ठीक। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है आप राम है और क्या पास किया है, एग्जाम इसने पास किया, ये आपका सही है एक्टिव वॉइस। विच वन इज द इन पैसिव वॉइस, हर बर्थडे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया है इसमें, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस, ठीक। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ रोल प्लेइंग, ये क्वेश्चन पिछली बार भी हमने दिया था, इसमें साफ कहा गया है कि रोल प्लेइंग क्या मतलब कि जो रोल प्लेइंग के लिए क्या बेनिफिट नहीं है, तो इसमें बोरियत जो शब्द है यानी कि बोरियत बढ़ना रोल प्लेइंग के लिए बेहतर नहीं माना जाता है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन बोरियत में वृद्धि होना ये गड़बड़ है। Which one is not a conjunction, but conjunction है, यानी कि दो सेंटेंस का जोड़ उसको कंजंक्शन कहा जाता है, ऑन कंजंक्शन नहीं है बट कंजंक्शन है, ठीक। विच वन इज नॉट अ वोवेल, एफ, वोवेल कितने कौन कौन से हैं टुन्नू बताओ, ए आई ओ यू, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिशियल ऑफिस टेक्निक एटिकेट्स, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, सही है, सही जवाब है, वन शुड ड्रेस, एटिकेट्स का अर्थ आप लोग जान लीजिए आचरण, ठीक। किसी चीज के लिए कौन सा आचरण होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आचरण का आप प्रयोग करोगे, ठीक है, वो आचरण है। बड़े के प्रति क्या आपका आचरण है, छोटे के प्रति क्या आचरण है, हर जगह पे अलग अलग आपका आचरण का व्यवहार अलग अलग होता है, ठीक। वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम as another word but different in meaning is called, यानी कि pronunciation same है लेकिन words के बीच में differences होते हैं, यानी कि उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो उनको क्या कहेंगे, homophones, क्या कहेंगे, homophones, हिंदी में homophones को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, यानी कि एक एक शब्द है उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, उसको अनेक अर्थ हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्द। अब होमोफोन्स को ही हम अनेकार्थी हिंदी में कह सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए तो आज के समझ में तो आया ही होगा, हेलो, यस सर,
ठीक है यस सर। तो अब अगले बार से आप लोग, हमने देखे क्वेश्चंस हमने सभी टॉपिक से दे दिए हैं, अब अगली बार से कुछ नए कुछ पुराने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन हम मिक्स करके अब हम आपको देंगे, ठीक है। अब यस सर, यानी कि आपका लगभग आपका इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूरे टेस्ट में आपका सारा सिलेबस समिटा गया है, ठीक। अब इन सब चीजों से बाहर तो मुश्किल है कि आएगा, क्योंकि इसका सिलेबस ज्यादा लंबा नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्हीं में से क्वेश्चन हम कहीं कहीं कुछ नए क्वेश्चन भी, अगर जहां हमको मिलेंगे हम आपको नए क्वेश्चंस भी देंगे और कुछ पुराने को भी रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को दुविधाएं ना हो, ठीक है। यस सर, यस सर। यानी कि आज से आप लोगों के क्वेश्चंस में मिक्सिंग शुरू हो